तो बेयर एक्ट का कौन कौन से टॉपिक आप चाहो तो लिख लो, अभी बोल देता हूँ मैं। इन इन टॉपिक्स को ही तैयार करना है, बाकी और नहीं करना। मेंस के लिए यही टॉपिक तैयार करने हैं। डेफिनेशंस में तथ्य की डेफिनेशन, तथ्य, सुसंगत, विवादक, सुसंगत, विवादक, फैक्ट्स, रेलेवेंट, फैक्ट एंड इश्यू, या लिखा है मैं आपके लिए ही लिखा रहा हूँ, बाकी मैं लिखा चुका हूँ। डॉक्यूमेंट, एविडेंस या साक्ष्य, साक्ष्य सबूत में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रूफ एंड एविडेंस, उपधारणा के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन, तथ्य की उपधारणा और विधि की उपधारणा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सॉरी मिस्टेक ऑफ प्रिजम्पशन एंड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, मिस्टेक नहीं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, विवादक तथ्य और साक्ष, सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य में मूल्य, एविडेंस इज वैल्यू ऑफ फैक्ट इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट लिखो, विवादक तथ्यों के समव्यवहार, ट्रांजेक्शंस ऑफ फैक्ट इन इशू, ट्रांजेक्शंस ऑफ फैक्ट इन इशू, इसमें धारा 6 से लेके 16 तक की धाराएं आती हैं, लेकिन सारी नहीं करनी है इसमें। इसमें कौन कौन सी करनी है? 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 14। फिर है विवादक तथ्यों के बारे में कही गई बातें, थिंग्स सेड रिगार्डिंग द फैक्ट इन इशू, इसमें दो चीज़ें हैं, स्वीकृतियाँ और कन्फेशन, स्वीकृतियाँ एडमिशन और संस्वीकृति। विवादक तथ्यों के बारे में उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें बुलाना संभव नहीं है, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ दोज पर्सन्स हु आर नॉट पॉसिबल टू प्रेजेंट। 32, 33। नेक्स्ट है विवादक तथ्यों के बारे में दूसरे केसों में दिए हुए निर्णय, दूसरे केसों में दिए हुए निर्णय, जजमेंट्स, जजमेंट, जजमेंट्स प्रोनाउंस्ड इन अदर केसेस रिगार्डिंग द फैक्ट एंड इशू, विवादक तथ्यों के बारे में राय, ओपिनियंस रिगार्डिंग फैक्ट एंड इशू, विवादित पक्षकारों का चरित्र, विवादास्पद पक्षकारों का चरित्र, कंडक्ट ऑफ डिस्प्यूटेड पार्टीज। नेक्स्ट है स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू प्रूव, नीड नॉट बी प्रूव्ड। नेक्स्ट डायरेक्ट एविडेंस। नेक्स्ट दस्तावेजी साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एवं उनकी अंतर्वस्तु एंड देयर कंटेंट्स, प्रूविंग ऑफ हैंड राइटिंग। नेक्स्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट, लोक दस्तावेज, लोक दस्तावेजों की उपधारणा, प्रिजम्पशन ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट बर्डन ऑफ प्रूफ, साक्ष्य की सक्षमता, कैपेसिटी ऑफ विटनेस। धारा 120 से 122 में अंतर, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन चीफ एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। धारा 145, 157 का अंतर, धारा 165 और 167। इन टॉपिक्स को ही हम पढ़ेंगे, तो इसको
कितने टॉपिक हो गए? कितने टॉपिक हैं? एविडेंस एक्ट में टॉपिक कितने हैं मधु? इतना ही पढ़ना है। एविडेंस में आए हुए क्वेश्चंस बोलो। एविडेंस में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछली बार। डिफरेंस बिटवीन फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट। हाँ, अब देखो, फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट में डिफरेंस पूछा है। सामान्य तौर पे ये डिफरेंस तीन चार नंबर में, तीन में या चार नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तीन नंबर के क्वेश्चन में आता है तो पहले थोड़ा समझो। एक शब्द है फैक्ट इन इश्यू, विवादस्पद, जिस पे विवाद है। फैक्ट इन इश्यू मींस जिस पे विवाद है, हिंदी में विवादक बोलते हैं। अब देखो, विवाद है तो जहां जो डेफिनेशन दे रखी है उस डेफिनेशन में, और जो सामान्य तौर पे मैंने कहा कि जिस चीज में विवाद है, दोनों में एक भारी अंतर है। जो डेफिनेशन वहां दे रखी है तो पहले उस जो डेफिनेशन एक्ट में दे रखी है उसे समझो क्या दे रखा है। वहां पे बात करता है एग्जिस्टेंस की, किसकी? एग्जिस्टेंस की, अस्तित्व में होने की। तो दो चीजें हैं, जैसे एक बड़े सिंपल एग्जाम्पल से मैं हमेशा ही समझाता हूं कि इस कमरे में इस समय प्रकाश है। इस कमरे में एक चीज का अस्तित्व है, या तो प्रकाश का अस्तित्व है या अंधेरे का है। एक आदमी दूसरे पर थप्पड़ मारता है, तो थप्पड़ मारना एक क्रिया है। क्या है? क्रिया, एक्शन है। तो एक्शन हुआ, उस एक्शन का अस्तित्व था या नहीं था? नहीं था मतलब थप्पड़ नहीं मारा गया। अस्तित्व था या नहीं था? तो दो में से एक चीज होगी, या तो अस्तित्व होगा या अस्तित्व नहीं होगा। तो शब्दों का प्रयोग किया गया है एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। क्या शब्द प्रयोग किए गए हैं? एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। किस चीज का एग्जिस्टेंस है और किस चीज का नॉन एग्जिस्टेंस है? एक व्यक्ति एग्जिस्टेंस को मना करता है और एक व्यक्ति एग्जिस्टेंस के लिए हाँ करता है। एक तो मना कर रहा है और एक हाँ कर रहा है। हाँ और मना करने के लिए शब्द प्रयोग किए गए हैं प्रत्याख्यान, मना करने के लिए, प्रख्यान हाँ करने के लिए, असर्टेशन के लिए। तो अस्तित्व अनस्तित्व के संबंध में एक व्यक्ति का प्रख्यान और दूसरे का प्रत्याख्यान। अस्तित्व अनस्तित्व, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। किस चीज की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस है? एक आदमी कह रहा है, साहब इसने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। तो या तो कब्जा किया गया था या कब्जा नहीं किया गया है। वो कहता है कि नहीं, मैंने कभी कब्जा किया ही नहीं, ये तो मेरे पास ही था। तो वो क्षण वो जो कह रहा है कि इसने कब्जा किया, तो या तो उसकी बात सही है। बात सही होने का मतलब इस तथ्य का कि उसके द्वारा कब्जा किया गया अस्तित्व है या इसका अस्तित्व नहीं है। तो है या नहीं है, एक पक्ष हाँ करे और दूसरा पक्ष मना करे, यही क्या है? फैक्ट इन इश्यू है। ये इश्यू किस बात पे है? मना करने और हाँ करने वाले फैक्ट्स पर। अब इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसे पढ़ो एक बार। ये शब्द प्रयोग किया है ना, असर्टेन और डिनाई। जैसे एक आदमी है, ये कहता है, साहब ये मकान मेरा था, मैं यहां से घूमने चला गया था और इसने कब्जा कर लिया। तो कब्जा करने का, कब्जा अवैध कब्जा करने का अस्तित्व था या नहीं था? ये एक विवाद का प्रश्न है। इसी को बोलते हैं विवादक। तो समझने में तो आ गई,
लेकिन इसकी डेफिनेशन को लिखोगे कैसे? समझ में तो आ गई, डेफिनेशन को कैसे लिखोगे? मतलब किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व के लिए एक पक्षकार द्वारा प्रख्यान और दूसरे द्वारा प्रत्याख्यान किया जाता है तो उसे विवादक तथ्य कहते हैं। When one person ascertain or another denies the existence or non-existence of facts, it is called fact in issue. इसे अपनी डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, एज इट इज बेरेक्ट की नहीं। डिस्प्यूटेड फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू एक ही बात है, एक ही बात है। अब दो लाइन में इस डेफिनेशन को लिखा के लिख के मुझे दिखा दो। विवादक तथ्य की परिभाषा लिखिए, यही शब्द है। आप लिख के बता दो, आप मुझे, आप तो ये देख के लिख के बता दो क्या लिखोगे, क्या बनाओगे। ऐसी डेफिनेशन बनाना जो बेरेक्ट के नजदीक भी हो और एक झटके में समझ में भी आए। ऑनलाइन वाले मेरे को व्हाट्सएप कर देना, दो लाइनों में एज इट इज उतार दोगे कोई मतलब नहीं है। आप कितनी बना सकते हो, लिखने में आ गई, देख के लिखनी है। बोल दो, धीमे धीमे बोलना। ठीक है, आपने क्या लिखा है? मेरे यार पानी चेंज नहीं कराया, पानी कल कहीं रखा है, गिलास नहीं आया, और चाय भेज देना है? अब देखो इसमें असर्टेन करने में और डिनाई करने में क्या हो क्या रहा है, राइट्स और ड्यूटीज की बात करता है। या तो पक्षकारों को उनके अधिकार मिल रहे हैं, ड्यूटीज उनके ऊपर आ रही हैं, ठीक है। इसमें एक शब्द और जोड़ सकते हो जो आपने नहीं लिखा है, जो उनके अधिकार और दायित्व को निर्धारित करते हों, अधिकार और दायित्व को निर्धारित करते हों। विवादक तथ्य ही करते हैं दायित्व, क्योंकि उनमें उसी के लिए लड़ रहे हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या है साथ में? अब रेलेवेंट फैक्ट, अब रेलेवेंट फैक्ट की डेफिनेशन तो एक शब्द है, संबंधित होना, टू बी कनेक्टेड। रेलेवेंट का मतलब है एक का दूसरे के साथ संबंधित होना, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं दे रखी है एक का दूसरे के साथ संबंधित होना। रिलेवेंट फैक्ट की डेफिनेशन दे रखी है, क्या दे रखी है? एक शब्द तो क्लियर हुआ, कनेक्टेड, टू बी कनेक्टेड मतलब संबंधित होना। दूसरा क्या है कि सुसंगति से संबंधित धाराएं हैं, सेक्शन 6 से लेके 55 तक, तो तथ्यों की सुसंगति से संबंधित धाराएं, प्रोविजंस रिलेटेड विद रेलेवेंसी, इंक्लूड इट, ये उसे इंक्लूड करती हों। यदि वो इंक्लूड नहीं करती हैं, ये पुणे आप रख के जाया करो, कुछ कहने की जरूरत थोड़ी है, पानी थोड़ी रख के गए,
पानी भर के रख जाना, चाय भी दे जाना, चाय भी दे जाना। समझ में आई थी बात? टू बी कनेक्टेड, संबंधित होना, किस आधार पर? सुप्रीम कोर्ट कहता है तर्क के आधार पर, कारण के आधार पर, तर्क लॉजिक। कारण किसी कॉज के आधार पर और अनुभव के आधार पर। तो आप ऐसे डेफिनेशन ले सकते हो, जब एक तथ्य दूसरे तथ्य के साथ तर्क कारण अनुभव के आधार पर संबंधित हो और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दी गई सुसंगति के प्रावधानों के अंतर्गत आता हो। सुसंगति के प्रावधान 5 से 55, ऐसे लिखो रफ पे, इसको रफ पे लिखो, रफ जो बोलिए उसी को लिखो। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुनीता, काम हो गया था। हाँ, नहीं कर दिया था वो, आप आपकी वजह से ये पॉसिबल हुआ, अच्छा हो गया। नहीं, अननेसेसरी मतलब एक झूठा फसाद था, झूठा, प्योर झूठा। नहीं, सिर्फ इसलिए एक एडमिशन नहीं लिया। लिखी का डेफिनेशन क्या लिखी? देखो एक चीज और है, जैसे आपने शब्द लिख रहे हो ना, कंटिन्यूअस रिलेटेड, रिलेटेड मत लिखो, ये बोलने वाले से कनेक्टेड, रिलेटेड और कनेक्टेड में वैसे कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपको विरक्त के नजदीक रहना है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, अच्छे आंसर का मतलब है कि आप विरक्त के कितने नजदीक हो, विरक्त के जितना नजदीक उतना ही अच्छा आंसर। अच्छा, विरक्त में क्या है कि हिडन बहुत चीजें हैं, छिपी हुई बहुत चीजें हैं, पक्का याद करके भी कुछ चीजें रह जाती हैं, तो उन्हें समझा जाना चाहिए। के अंतर्गत आता है, वेरी नाइस, गुड। चलो, मैं सिर्फ ये अभ्यास के लिए लिखा रहा हूँ, बाकी कोई वो तो आप कर लेंगे, आपके पास नहीं, एजिटेटिव लिखना जरूरी नहीं है, उसमें है ही नहीं ना, रेलेवेंट की डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है। फैक्ट एंड इश्यू की तो अपने को छोटी डेफिनेशन बनानी है, फैक्ट एंड इश्यू की वो तो मैंने समझाई ना अभी बहुत देर से, तो वो तो अपने को बनानी है अच्छी डेफिनेशन, वो डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, अच्छा इसमें क्या आया, डिफरेंस आया है? अच्छा, रेलेवेंट फैक्ट में और फैक्ट एंड इश्यू में क्या अंतर है? रेलेवेंट फैक्ट का मतलब तो होता है एक तथ्य का दूसरे तथ्य के साथ संबंधित होना। फैक्ट एंड इश्यू का मतलब है, पहला अंतर यही लिख सकते हो, तथ्यों का पक्षकारों के मध्य विवादास्पद होना, तथ्यों का पक्षकारों के मध्य विवादास्पद होना, है ना। दूसरा,
दूसरा एक समझ में आ गया, दूसरा विवादक तथ्य या फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू विवाद का मूल बिंदु है, मेन सेंटर है, जबकि जबकि सुसंगत तथ्य उसे साबित करने का क्लास में हूं आप आ जाओ 12:30 बजे के आसपास, गुजर की थड़ी पारने का है तो। कौन सा? हाँ, तो कब जाओगे, कितने बजे जाओगे? साढ़े बारह, ठीक। नेक्स्ट है, हाँ मैं एक अंतर तो समझ में आया। दूसरा जो विवादक तथ्य है, विवादक तथ्य का पक्षकारों के बीच में न्याय निर्णय होना है, एडजुडिकेशन होना है, जबकि रेलेवेंट फैक्ट उस न्याय निर्णय किसके पक्ष में होगा। बच्चा नमस्कार, हाल चाल बढ़िया है, आओगे क्या? आ जाओ आ जाओ। हाँ अच्छा, हाँ सही, ठीक है। अभी तो क्लास में हूँ, क्लास क्लास के बाद करते हैं। हाँ हाँ क्लास के बाद बात करता हूँ, अभी मेरे को थोड़ी देर स्विच ऑफ नहीं करना। रेलेवेंट फैक्ट क्या काम करते हैं? एविडेंस का काम करते हैं। किसका काम कर रहे हैं? एविडेंस का, कि एडजुडिकेशन किसके पक्ष में होना है ये कौन तय करेगा? रेलेवेंट फैक्ट कौन तय करेगा? रेलेवेंट फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट क्या है? एविडेंस है। जबकि फैक्ट इन इश्यू क्या है? उसके अस्तित्व को तय किया जाना है कि एग्जिस्टेंस किसकी है। देखो दो चीजें हैं, कुछ तो जैसे पहले आपने बनाए हुए हैं, जैसे नोट्स में मैंने इरेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू का डिफरेंस दे रखा है, लेकिन जब आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर भी है ना, तो आप टिप्स पे ही बना दोगे, फटाफट फटाफट बना दोगे है क्या फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट। आप देखो पूरे के पूरे, जैसे ये मकान मेरा है, एक आदमी कहता है कि मेरा है, दोनों कह रहे हैं, ये तो हो गया फैक्ट एंड इशू। अब किससे आया, कहां से आया, ये सारे के सारे चाहे वो किसी भी प्रोविजन में आता हो, रेलेवेंसी के किसी भी प्रोविजन में आता हो, तो वो रेलेवेंसी किस काम में आ रही है, काम किस लिए आती है? उस फैक्ट एंड इशू को साबित कराने में, किसी भी पक्ष की साबित कराने में या ना साबित कराने में, इसी काम में तो आ रही है पूरी रेलेवेंसी। रेलेवेंसी का काम ही क्या है? यही काम है कि फैक्ट एंड इश्यू को साबित कराना या ना साबित कराना, दोनों पक्षों के साथ खड़ी है, जो भी पक्ष अपने अपने बात को कह सके। चाहे एक आदमी कहता है कि साहब इसने मेरे चाकू मारा, दूसरा कहता है मैंने कोई चाकू नहीं मारा, मैंने तो प्राइवेट डिफेंस में इससे चाकू छीन के इसी के मारा। अब बात अलग अलग है, दोषी है या ना दोषी है, अब कौन साबित करेगा?
सारे उससे संबंधित रेलेवेंट फैक्ट्स इस बात को साबित करेंगे कि वेदर ही अटेम्प्ट और नॉट। जैसे सिविल में इश्यूज बनाते हो, इश्यूज तो क्रिमिनल में भी है, वहां क्या तय करना होता है क्या इसने ऐसा किया या नहीं किया, ठीक है ना। तो ये पिक्चर क्लियर हो गई क्या माइंड में फैक्ट एंड इश्यू की और रेलेवेंट फैक्ट की, ठीक है ना। बाकी डिफरेंस और लिख भी रहे हैं, कहां से कहां तक आ रही है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये डेफिनेशन है, प्रूव डिसप्रूव नॉट प्रूव, है ना। ये डेफिनेशंस की माइंड में क्लियर है क्या, ये प्रूव क्या है, डिसप्रूव क्या है, नॉट प्रूव क्या है। अब जैसे नॉट प्रूव क्या होता है, नॉट प्रूव का मतलब है जैसे बहुत सारी बातें हैं, जैसे हमने मान लो चार इश्यू बनाए किसी भी मामले में, और चार इश्यू में से एक इश्यू के संबंध में दोनों पार्टीज ने कोई एविडेंस नहीं दिया उसके संबंध में, तो उसको हमने अलग हटा दिया, उस पर हमको जजमेंट भी नहीं देना चाह रहे। जैसे मान लो कोई समस्या आती है आपके एग्जाम में लिखवाने के लिए, तो उसमें क्या करोगे आप, इश्यू फ्रेम करोगे। अब आपने चार इश्यू बनाए, तो पहले इश्यू के लिए कोई एविडेंस है जिस पे आप डिसाइड कर सकते हो, दूसरे एविडेंस है, तीसरे पे एविडेंस है, चौथे पे कोई एविडेंस नहीं है, तो चौथे को क्या कहेंगे, नॉट प्रूव्ड। क्या कहेंगे, नॉट प्रूव्ड, क्योंकि ईदर पार्टी गेव एनी एविडेंस, किसी भी पार्टी ने एविडेंस दिया ही नहीं, तो उसे क्या बोलोगे, नॉट प्रूव्ड। अब दो शब्द और बचे, प्रूव और डिसप्रूव। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, हम पढ़ रहे थे डेफिनेशन फैक्ट एंड इश्यू की, उसमें मेन चीज क्या थी, एग्जिस्टेंस, क्या थी, अस्तित्व। एक शब्द पढ़ा था अस्तित्व अनस्तित्व, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। तो देखो साबित कब मानोगे किसी चीज को, बहुत सिंपल है, हमने विचार किया, विचार का मतलब दोनों पक्षों को सुना, विचार का मतलब होता है दोनों पक्षों को सुना, दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात, दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचा है कि उसका अस्तित्व है या अनस्तित्व है, या तो एग्जिस्टेंस है या एग्जिस्टेंस नहीं है। आप लोगों को किसी को चाय थोड़ी पीनी है, मेरे की तो मजबूरी होती है, मैं बोलता रहता हूँ तो कभी कभी सुस्ती आती है इसलिए पी लेता हूँ, मैं क्लास में कभी पीता नहीं, पर अभी मेरे को कभी कभी लग रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, आज आया नहीं, छुट्टी कर ली उसने, तृप्ति ने भी, अच्छा अच्छा तृप्ति ने भी छुट्टी कर ली ऑनलाइन में तो नहीं, तृप्ति ने भी किया है, अच्छा। तो समझ में आए आपके, क्या समझ में आया कि विचार करने के पश्चात उसके अस्तित्व को माने, तब तो हो गया प्रूव, उल्टा कर लो अस्तित्व को न माने डिसप्रूव। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज है इसमें, विचार, विचार, विचार मतलब विचारण है, ये एक तरह से ट्रायल है, विचार कंसिडरेशन है, मतलब आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी बोथ द पार्टीज, दोनों पक्षों को अपॉर्चुनिटी देने के बाद अस्तित्व अनस्तित्व पर विश्वास करें, अस्तित्व पर विश्वास कर लिया प्रूफ्ड, ठीक है ना। ये शब्द डालना जरूरी है, बाकी फिर कुछ भी डालो आगे पीछे। अब देखो मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, अब सबसे पहले जैसे मे प्रिज्यूम, प्रिज्यूम शब्द का मतलब क्या, उपधारणा, प्रिज्यूम है क्या ये शब्द,
प्रिज्यूम शब्द बोलते हैं मानना। प्रिज्यूम शब्द का मतलब क्या है? मानना, किसी भी चीज को मान लेना। एक शब्द है, ये बना है हिंदी में धारणा से। जैसे एक आदमी कहे दूसरे से, अरे यार तू काम ठीक करता ही नहीं। वो कहता है, सर आपने धारणा बना रखी है मेरे प्रति। बोलते ना, आपने तो धारणा ही बना रखी है मेरे प्रति, मैं पूरे दिन काम करता हूं, धारणा बना रखी है, काम ही नहीं करता। इसी को बोलते हैं उपधारणा, इसी को बोलते हैं प्रजम्पशन। क्या बोलते हैं इसको? तो मान लेना, किसी भी चीज को मान के बैठ जाना। अब कोई कोर्ट क्यों मानती है, मानती क्यों है? उसके दो कारण हैं। एक तो कानून में ही व्यवस्था दे दी हो प्रजम्पशन की, कि आप मान सकते हो, जैसे सेक्शन 114 है। तो 114 में कोर्ट को ही परमिशन दे दी कि इस बात पर तुम ये मान सकते हो, मान सकते हो, मान सकते हो, मतलब प्रजम्पशन कर सकते हो। एक स्थिति और है, कोर्ट ने कहा नहीं, आपको अपना समझ कुछ नहीं लगानी है, हमने लिख दिया है कानून में, इसलिए आपको ये माननी ही है। जैसे आपको ये धारणा बनानी है कि ये चोर है, मतलब सेल्फ प्रिज्यूम की कह रहा है वो। जैसे एक लड़की किसी के ऊपर यह आरोप लगाती है कि इसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन मेरी सहमति के बिना या मेरी इच्छा के बिना बनाए, तो एक्ट में लिख दिया कोर्ट सेल प्रिज्यूम। अब जज को लग रहा है यार ये आदमी तो ऐसा है, ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या लिखा हुआ है? मैं नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? सेल्फ प्रिज्यूम। कोर्ट ने, कोर्ट की भी अपनी कोई वो नहीं है, तो कोर्ट के राइट को ही खत्म कर दिया सेल्फ प्रिज्यूम। लेकिन कैसी प्रिजम्पशन है? रिवटेबल प्रिजम्पशन है। कैसी प्रिजम्पशन है? कानून ने मान लिया, अच्छा यदि वह व्यक्ति ये साबित करने में असफल रहा, क्या वो उसकी सम्मति को साबित नहीं कर पाया, तो उसको सजा हो जाएगी। उसको सजा हो जाएगी क्योंकि वो गिल्टी पहले ही मान लिया कोर्ट में, ट्रायल से पहले ये मान के बैठे हैं कि ही इज रेपिस्ट। तो रिवटेबल प्रिजम्पशन है, लेकिन मतलब आपके पास, वो कहता है साहब नहीं, मैंने सहमति से किया। सहमति से किया तो सहमति कैसे? साहब ये मेरे साथ, मेरे घर आई, मैं इसके घर नहीं गया, या मेरे साथ आई, साहब ये होटल में गई, इसने कमरा बुक कराया, मैंने बुक नहीं कराया। तो ये क्या है? कंसेंट, सोइंग द कंसेंट, ठीक है ना। तो ये क्या है? सेल्फ प्रिज्यूम। क्या है? सेल्फ प्रिज्यूम। एक प्रिजम्पशन और होती है जो रिवटेबल नहीं होती, जिसे खंडन नहीं कर सकते आप, अखंडनीय उपधारणा बोलते हैं उसको। अखंडनीय उपधारणा का मतलब ये है कि यू हैव नो राइट
टू गिव एनी एविडेंस फॉर रिबटल, आप खंडन के लिए कोई एविडेंस नहीं दे सकते। जैसे एक लड़की जिसकी उम्र 16 साल है, लेकिन मार्कशीट में उसकी उम्र, चाहे उसके बोन टेस्ट से टाइम आ रहा है, उसका बोन टेस्ट कराया, बोन टेस्ट में एज आ जाती है, जिनके पढ़े लिखे नहीं है वो बोन टेस्ट से आ जाती है, लेकिन बोन टेस्ट में नाम आ रहा है उसका, वो 16 साल की है, वहां आ रहा है वो 18 साल की है, 19 साल की है, 18 साल की कंप्लीट हो रही है। तो क्या होना है, उसके ट्रायल के नेचर में अंतर आना है, उसके पनिशमेंट में अंतर आना है। पॉक्सो कोर्ट से एक जनरल कोर्ट में सेशन जज के चला जाएगा, नहीं तो पॉक्सो कोर्ट में जाएगा मामला। पनिशमेंट में भी अंतर आएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट कहता है सर इसकी एज 16 ईयर, हमने बोन टेस्ट कराया। न्यायालय क्या कहेगा? नहीं, हर मार्कशीट इज ऑलरेडी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, यू कैन नॉट प्रोड्यूस योर बोन टेस्ट रिपोर्ट इन द कोर्ट, क्योंकि वो कंक्लूसिव प्रूफ भी है। तो ये जो प्रेजम्पशन है ना, रिबटेबल नहीं है, खंडन योग्य धारणा नहीं है। ठीक है, तो अब इनकी आती है डेफिनेशन लिखाने, डेफिनेशन लिखाने आती है। अब जैसे न्यायालय तथ्य के अस्तित्व अनस्तित्व के बारे में अवधारित करें, मतलब कोर्ट डिसाइड्स एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट, ये तो हो गई उपधारणा। मे प्रिज्यूम में और सेल्फ प्रिज्यूम में, ये दोनों ही, वैसे मे प्रिज्यूम और सेल्फ प्रिज्यूम दोनों ही प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। क्या है ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ? क्यों? कि लॉ में ही उसे परमिशन दे रखी है कि न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, अन्यथा न्यायालय उपधारणा नहीं कर सकता। कोर्ट जैसे आप देखो 114, तो उसमें लिख दिया कि कोर्ट मे प्रिज्यूम, और कोर्ट की इतनी सारी लिस्ट बना दी, इलस्ट्रेशन बना दिए कि इन इन ऐसी ऐसी स्थितियां हो तो यू मे प्रिज्यूम। लेकिन जैसे डॉबरी डेथ का मामला आए, किसका है? डॉबरी डेथ का मामला है, तो वहां कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर रहा है? कोर्ट सेल प्रिज्यूम बिफोर हर डेथ क्रुएल्टी वॉज मेड अगेंस्ट हर बाई द रिलेटिव ऑफ हस्बैंड और हस्बैंड। तो क्रुएल्टी का प्रिजम्पशन किया उसने, किस चीज का प्रिजम्पशन किया? क्रुएल्टी का, बट इट इज रिबटेबल प्रिजम्पशन, खंडनीय उपधारणा है कि साहब बहुत अच्छे से रह रही, उससे पहले दिन भी हम तो घूम के आए साथ, ये बहुत सारी चीजें, फिल्म देखने भी गए टॉकीज में, वहां के हंसी खुशी है टॉकीज के कैमरों में भी, उसका चेहरा ऐसा नहीं है कि हंसी खुशी है, उसने ही अपने पेटीएम से टिकट बुक कराई थी, हम सब लोग गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उसे एक दौरा पड़ता था कि कब अपना आपा खो बैठती थी, तो उसने अपने आप को मार दिया, सुसाइड कर दिया।
हमने ना तो इंस्टिगेट किया सुसाइड करने के लिए, तो हमने कोई क्रुएलिटी की नहीं, और इससे पहले भी कोई क्रुएलिटी की स्टोरी है? इससे पहले कोई स्टोरी तो होनी चाहिए, एक दिन में क्रुएलिटी हुई तत्काल मर गई, ऐसा नहीं हुआ है। दूसरे फिर कहते हैं कि सब हमारा परिवार, देखिए हमारा सब भ्रांत परिवार है, हम ऐसी क्रुएलिटी क्यों करेंगे, सी वॉज पार्ट ऑफ अवर फैमिली। ये कैसे पॉसिबल है कि हम हमारे फैमिली मेंबर को ही मरने पर मजबूर कर देंगे? तो ये क्या हुआ, उन चीजों को खंडन कर रहे हैं। अदरवाइज कोर्ट ने तो डिसाइड कर लिया है कि यू आर गिल्टी। नेक्स्ट, अभी ये मैंने बता दिया रिवटेबल और हाँ, ये मैंने अभी बताया प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। फैक्ट की प्रिजम्पशन में तो 114 में जो प्रिजम्पशन दे रखी है ना, वो सब फैक्ट्स की प्रिजम्पशन है। जैसे एक आदमी है, उससे क्या है कि हर बार वो चोरी करता है, चोरी बार बार चोरी कर रहा है, पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, पुलिस उसे पकड़ कर लेके आ गई कोर्ट में। वो कहती सर चोर तो यही है, लेकिन वी हैव नो एविडेंस कि हम इसकी चोरी साबित कर सकें, लेकिन ये हम बता रहे हैं चोर यही है, सब लोग कहते हैं इसी ने ये सब किया है, और लेकिन हम इसके विरुद्ध कोई एविडेंस नहीं खोज पाए हैं। तो कोर्ट कहेगी उससे कि भाई देख ऐसा है, अब तू ही अपने आप को कि तू चोर नहीं है ये साबित कर, हम तो तेरे को चोर माने बैठे, क्योंकि पुलिस ने उसको कहा और पुलिस ने यह भी कह दिया कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है इसके विरुद्ध, तो कहा हम तो तुम्हें चोर माने बैठे हैं, अब ये आपको साबित करना है। तो क्या कर दिया, ये पावर कहां से मिली कोर्ट को? ये पावर मिली 114 के एविडेंस एक्ट से। तो दरअसल ये कहां से आई, ये तथ्य की उपधारणा है। किसकी उपधारणा है, तथ्य की उपधारणा। तो न्यायालय कई स्थानों पर तथ्य की उपधारणा कर सकता है। देखो प्रिजम्पशन काम क्या कर रही है, प्रिजम्पशन इज शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ प्रूविंग, शिफ्टिंग बर्डन ऑफ प्रूविंग। ये जो इधर था उसको इधर कर दिया, बर्डन ऑफ प्रूविंग वॉज ऑन प्रोसिक्यूशन बट कोर्ट ट्रांसफर्ड इट टूवर्ड्स द एक्यूज्ड। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द एक्यूज्ड डिसप्रूव कि वो चोर नहीं है, अदरवाइज ही शैल बी डिक्लेयर्ड गिल्टी। ठीक है ना, ये तथ्य की उपधारणा और विधि की उपधारणा। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, और कोई बात जो आप पूछना चाहते हैं? ये गोल्डन रूल, देखो गोल्डन रूल ऑफ एविडेंस, एविडेंस एक्ट में इसका कहीं नाम नहीं है, ये विभिन्न जुरिस्ट द्वारा बनाया हुआ शब्द है, क्योंकि एविडेंस एक्ट में गोल्डन रूल कोई रूल ही नहीं है। अच्छा, जहां से एविडेंस एक्ट आया है, जैसे सेक्शन 6 है,
तो सेक्शन सिक्स में भी रेस जस्टिस शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन हम सब जो कहते हैं रेस जस्टिस, लेकिन कारण है इसका, जो ब्रिटिश लॉ है वहां रेस जस्टिस ही शब्द प्रयोग किया हुआ है, तो हम कह देते हैं इसको कि रेस जस्टिस है। दूसरे एक्ट में, उनके यहां एक्ट में उस शब्द का प्रयोग रेस जस्टिस ही हुआ है। जैसे आप मान के बैठ गए कि यू आर गिल्टी, तो अब आपको साबित ही नहीं करना पड़ रहा ना। तो ये सब चीजें इस तरह की हैं जो गोल्डन रूल को बनाती है, एविडेंस के गोल्डन रूल को, ठीक है ना। तो ये शब्द आया है जूरिस्ट के द्वारा, तो इसमें कई सारी चीजों को शामिल कर लो, चाहो तो हमें लगता है हटा भी सकते हो। आया कि इस पर गोल्डन रूल पर क्वेश्चन आया क्या? गोल्डन रूल पर कोई क्वेश्चन आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स आ गया। हाँ ठीक है। एक शब्द है एडमिसिबिलिटी, इसका भी डिफरेंस पूछता है, मैंने नोट्स में दे रखा है, बहुत अच्छे से दे रखा है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। जिससे कि देखो, एक सेक्शन है 136, कौन सा सेक्शन है 136 एविडेंस एक्ट का, क्या है, एक लाइन में कहें तो पहले मैं बता देता हूं, कि मान लो प्रोसिक्यूशन है, उसने, आप देखो मोटी मोटी फाइलें आती, 500 गवाह कराए, 500 गवाह कराए, सबके बयानों को लिया, लेकिन न्यायालय ने निर्णय जब दिया तो अपने निर्णय का आधार 3 लोगों के बयान लेकर ही कर दिया जजमेंट उसके पक्ष में, और भी मतलब हर एविडेंस को नहीं लिया उसने, अदरवाइज तो क्या होगा, जितने भी एविडेंस होंगे सब पे देना पड़ेगा, सबको नहीं लिया। तो क्या समझ में आए, एडमिसिबिलिटी का मतलब क्या है, न्यायालय जिसे अपने निर्णय का आधार बनाए, क्या समझ में आई? देखो शब्द भी अलग अलग है, एडमिसेबल और एडमिसेबिलिटी, बोथ आर नॉट सेम। मैनी फैक्ट्स मे बी एडमिसेबल, बहुत सारे तथ्य एडमिसेबल हो सकते हैं, क्यों? बिकॉज दीज फैक्ट्स आर रेलेवेंट फैक्ट, मे बी एडमिसेबल, ये तथ्य कैसे थे, सुसंगत थे, इसलिए ले तो लिए, लेकिन निर्णय का आधार कौन कौन से बने, निर्णय का आधार कौन से बने, जो निर्णय का आधार बने वो एडमिसेबल हो गए, कैसे हो गए, एडमिसेबल। अब कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है, जैसे कोर्ट में आर्ग्यू चल रहे हों, तो आपने देखा ना, एक पार्टी कहते, देखो सर ये कैसी कैसी बातें पूछ रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं, मतलब लेना देना का मतलब है रेलेवेंट नहीं है, लेना देना का मतलब क्या है, रेलेवेंट नहीं है, देखो क्या रेलेवेंट बातें पूछ रहे हैं सर वो, क्या दूसरी पार्टी कहता है सर लेना देना है इसका, वो क्या कह रहा है, इसका लेना देना है, इसका मतलब इट इज कनेक्टेड, इट मींस इट इज रेलेवेंट। तो जज पूछ सकता है कि चलो ठीक है, जब तुम्हारी ये बात यदि प्रूव हो गई तो अंडर विच सेक्शन इट इज रेलेवेंट, ये कौन से सेक्शन में रेलेवेंट है ये आपको बताना पड़ेगा, कहां है रेलेवेंट, ये कहां दे रखी है 136 में, तो वो पूछता है कि रेलेवेंट है या नहीं है, ये तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आ रखा है ये क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा है क्वेश्चन, मैंने दे रखा है इसमें बहुत अच्छे से एक आप इसी से पढ़ लेना, एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो मैंने ये यहाँ लिख रखा है एडमिसिबिलिटी और रिलेवेंसी का डिफरेंस, नोट्स में एज इट उतार रखा है। ग्राह्यता का अर्थ क्या है, कौन से एविडेंस को लेना है कौन से को नहीं लेना, एडमिशेबल और नॉन एडमिशेबल वाली बात करता है। लेकिन लेकिन निर्णय का आधार ग्राउंड ऑफ जजमेंट तो कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ बातें होंगी जिनको निर्णय का आधार बनाते हैं। नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन आया और बोलो। देखो इन्होंने कहा ऑल एडमिशेबल एविडेंस आर रेलेवेंट, भाई जितने भी हैं 6 से लेके 56 तक के जितने भी हैं सबको लेते हैं, किसी की मना नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन वो सारे निर्णय का आधार थोड़े होंगे, निर्णय का आधार तो कुछ ही होगा। अब जैसे आपके जजमेंट लिखाने आए, ठीक है ना, तो जजमेंट लिखाने आए तो आप उसमें निशान लगा लो, क्योंकि कई बार क्या होता है जजमेंट बहुत बड़ा दे दिया उन्होंने लिखने को, बहुत बड़ा फैक्ट्स दे दिए, अब आप सारे फैक्ट्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, सारे एविडेंस को ले रहे हो, तो जजमेंट बड़ा हो जाएगा। अब आपको उसने ट्रैप में फंसा दिया, पता लगा कि 3 घंटे के पेपर में 1.5 घंटा हम जजमेंट लिखने पर खर्च कर रहे हैं। नहीं, उसको संक्षिप्त में पूरी कहानी को, कितनी भी कहानी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कुछ लाइनों में समेटी जा सकती है। पूरे दुनिया के घटनाक्रम को एक शब्द में समेटा जा सकता है, इतिहास लिख दिया संसार का, जब तक का घटनाक्रम इकट्ठा हो गया। ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट में आपको फैक्ट्स को लिखना है। दूसरा, सारे एविडेंस को जजमेंट में मत लो, अन्य साक्ष्य प्रस्तुत, आद याद साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, क्योंकि सारे ले लिए ना जजमेंट बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 6 पे आया कुछ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जस्टे। रेस जस्टे शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन कह रहा है फिर भी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जस्टे। रेस जस्टे का एक लाइन एक शब्द को कहे, रेस जस्टे शब्द का अर्थ है संव्यवहार, और उस संव्यवहार का मतलब एक ही संव्यवहार, मतलब सेम ट्रांजेक्शन में हुआ घटनाक्रम। रेस जस्टे को क्या कहेंगे, सेम ट्रांजेक्शन में हुए घटनाक्रम। अब सेम ट्रांजेक्शन में घटनाक्रम हो रहा है ना, तो कंटिन्यूअसली टाइम इज चेंजिंग, समय हर क्षण परिवर्तित कर रहा है। जब आपने क्वेश्चन पूछा उससे अब तक का समय निकल चुका। दूसरी, जहां घटनाक्रम होगा क्या होगा, स्थान परिवर्तन होगा, क्या होगा, स्थान परिवर्तन होगा। तो यहां ये पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रेस जस्टे। देखो रेस जस्टे के अवधारणाओं को समझाइए, तब आप यहां से शुरू कर सकते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में एक ही संव्यवहार में
एक ही समय या भिन्न भिन्न समय, एक ही स्थान पर या भिन्न भिन्न स्थानों पर घटित हुए घटनाक्रम का, घटनाक्रम को तो संगत बनाया गया है। क्या किया गया है? घटनाक्रम को सुसंगत बनाया गया है। इसे ही ब्रिटिश लॉ में रेस जेस्टे कहा गया है। आप बिल्कुल मत लिखना भारतीय विधि में, ब्रिटिश लॉ में, हमारे यहां का शब्द नहीं है ये। इसे ब्रिटिश लॉ में रेस जेस्टे कहा गया है। अब कहता है कि कंसेप्ट क्या है ये तो आपने बता दिया कि ये है। अब कहता है अवधारणा है क्या ये? अवधारणा ये है कि एक स्थान पर हुआ या भिन्न भिन्न स्थानों पर हुआ, एक समय पर हुआ या भिन्न भिन्न समय पर हुआ, घटित समस्त तथ्य एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं जो साक्ष्य में उस तथ्य को, उस विवादास्पद तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। जैसे एक क्वेश्चन, एक ये कहानी तो आप सब लोगों ने पढ़ी हुई है, कौन सी वाली, कि एक महिला की जिसके अपने पति से झगड़ा हो गया और उसने, पति जब लेट आया तो उनके बीच में कोई संघर्ष हुआ किसी बात को लेकर, पति ने गोली चला दी और उसने फोन से टेलीकॉम डिपार्टमेंट को कहा कि पुलिस से बात करा दो। जब पुलिस वाले वो घर पहुंचे तो महिला की लाश घर पे पड़ी हुई थी और कॉल चूंकि बीच में ठप हो गई थी तो उसने कहा गोली चल गई थी। तो इसमें तथ्य ये था कि गोली चल गई थी तो वो कहती कि हॉस्पिटल बात करा दो, गोली चलाई गई थी तो इसीलिए उसने कहा पुलिस से बात करा दो। बात समझ में आई? पुलिस से बात कराने की क्यों कही? तो घटनाक्रम अलग था, यहां हुआ घर पे, उसके कुछ क्षण बाद उस लेडी ने जो फोन कॉल कनेक्ट करने वाली लेडी से बात की, और वो साथ में कहती है उसकी आवाज कप रही थी। दूसरी बात, उसी संव्यवहार से यह भी पता लगता है हस्बैंड एम्बुलेंस के लिए कह सकता था, हस्बैंड कॉल कर सकता था, वो कॉल कर रही थी पुलिस को, इसका मतलब गोली चलाई गई थी। तो ये क्या कहना चाहता है? जो सुसंगत तथ्य किसी संव्यवहार से साथ जुड़े हुए हैं वे अलग अलग स्थानों पर भी होते हों तो रेलेवेंट है, उन्हें एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है। क्योंकि सेक्शन 5 क्या कहता है कि ओनली द रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इश्यू मे यूज इन एविडेंस और नॉट अदर्स, दूसरों को नहीं ला सकते, केवल फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट को ही एविडेंस में प्रयोग ला सकते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट एक तो इसमें जब भी पूछे तो सेक्शन 6 को एज इट इज उतार दो, दो लाइनें एज इट इज उतार देनी। दूसरा,
कहाँ काम आता है रहस्य अस्ते भाई। ये तो पूरे के पूरे जितने भी पार्ट हैं, जैसे पार्ट कितने हैं, रेलेवेंस, रेलेवेंसी में मैंने भी आपको एक वो लिखाया था, एक शब्द है जैसे फैक्ट इन इशू, है ना। फैक्ट इन इशू से, विवाद तथ्य से, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये सब किसके लिए हो रहा है, फैक्ट इन इशू के संबंध में एडजुडिकेशन के लिए। तो फैक्ट इन इशू के लिए आप देखो 6 से लेकर ठीक है 16 तक की जो धाराएं हैं, 6 से लेके 16 तक की जो धाराएं हैं वो किस रूप में कनेक्टेड है। एक जैसे सेक्शन 6 ने आपको बता दिया संव्यवहार, तो संव्यवहार को एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है साबित करने और ना साबित करने के लिए, है ना। ऐसे ही सेक्शन 7 में चले गए, तो सेक्शन 7 में क्या है, जो प्रसंग है उनका कोई मोटिव है, ऐसे करके ये आगे तक चलते चले जाओ आप। तो ये सारी बातें किसके साथ जुड़ी हुई हैं, एक एक बातें जुड़ी हुई हैं, जो क्या बताती हैं कि फैक्ट इन इश्यू को साबित या ना साबित करने के लिए एविडेंस के तौर पर उन्हें यूज कर सकते हो। तो सेक्शन 6 में सिर्फ एक ही चीज थी, रेस जस्टे, तो उससे दूसरी चीज 7 में है, तीसरी चीज 8 में है, चौथी चीज 9, 5, 10, ये सब किस में दे रखी है कि फैक्ट इन इश्यू को कैसे कैसे साबित करना है या ना साबित करना है, दोनों। अब जैसे अवसर, कारण, प्रभाव, हेतु, आचरण, ये सब जुड़े हुए हैं 6 से लेकर 16 तक। अब जैसे सेक्शन 7 है ना, तो सेक्शन 7 में कहा कि जो प्रसंग है, हेतुक है, परिणाम है, प्रसंग अकेजन, हेतुक कॉज, परिणाम रिजल्ट। तो ये इन्हें कहा कि जो फैक्ट इन इश्यू है उन्हें ये 3 चीजें भी साबित और ना साबित कर सकती हैं। कैसे, एक आदमी कहता है सर मेरे को 4 लोगों ने मिलकर पीटा, अब उसके मेडिकल कराया तो पीटने के निशान थे, अब वो जो 2 लोग और थे या 4 लोग जो थे उन्होंने कोई FIR दर्ज नहीं कराई। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने कहा सर ऐसा नहीं था, वो जो कह रहा है वो हमारे यहां आया, हमारे हॉस्टल आया और हमारे कमरों में वो हमें पीटने लगा। देखो ये हमारे, अब पता लगा वो चारों भी घायल थे लेकिन वो FIR दर्ज नहीं कराने गए। FIR दर्ज वो खुद कराने चला गया, मेरे को 4 लोगों ने पीटा, ये बात भी सही थी कि 4 थे, ए तुम वहां क्यों गए, वहां क्यों गए। तो पहली बात तो ये तो तय हो गया कि कोई लड़ाई हुई थी, किससे तय हुआ, ये जो उसके शरीर पर बने हुए रिजल्ट्स थे, मतलब अब वो ये नहीं कह सकता था कोई भी नहीं सर कुछ हुआ ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि लड़ाई के बाद के रिजल्ट, परिणाम अवेलेबल थे। जैसे आपने देखा वो जैसे रेप है, रेप के संबंध में मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, तो आपसे पूछे मेडिकल एग्जामिनेशन कौन सी सेक्शन में रेलेवेंट है, तो वो सेक्शन 7 में ही तो रेलेवेंट है। कैसे, मार्क्स,
उस महिला के शरीर पर, उस रेपिस्ट के शरीर पर कोई संघर्ष के निशान रहे होंगे। तो संघर्ष के निशानों वाली रिपोर्ट यदि सेक्शन 7 ना होता तो मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट को रेलेवेंट ही नहीं मानता, कोर्ट कहता है हटाओ इसको, कहां से ले आए इसको, तो पेश ही नहीं कर सकते अंडर विस सेक्शन, कैसे पेश करोगे। तो वो कह रहा है कि इन इन सेक्शंस में रेलेवेंट है, वो लड़ाई हुई, गुत्थम गुत्था हुए, नाखून लग गए, क्रोच लग गई, कोई और मार्क्स आ गए, मतलब किसी भी तरह के फैक्ट इन इश्यू के बाद जो रिजल्ट आए, चाहे वो दोनों के शरीर पर आए हों या किसी भी चीज पर आए हों, वो किस में चले जाएंगे। एक केस आप लोगों ने हमेशा ही पढ़ा होगा, एविडेंस एक्ट, आर वर्सेस रिसर्चन, है ना। तो आर वर्सेस रिसर्चन में क्या होता है कि जो रिसर्चन है वो एक फैक्ट्री में काम करता है, उसे देखता है कि वहां एक दिन उसे पता लगा कि यहाँ जंगल में एक गांव घर बना हुआ है, वहां एक लड़की रहती है जो कभी कुछ मंद बुद्धि की है, और उसने उसके साथ जान पहचान बनाई, और वो लड़की के माता पिता खेतों पर चले जाते थे, एक दिन उसने उसके साथ दोस्ती बढ़ा ली, उनके संबंध बनने लगे, रोज संबंध बनने लगे, लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब उसे लगा कि ये बात पता लग जाएगी, तो उसने क्या किया, एक दिन जाके लड़की का गला घोंट दिया, तो लड़की मर गई। तो उसके पास वो डोली फांद कर भाग आया, लेकिन उसने उसी दिन नए जूते भी पहने थे, तो जूतों के निशान उसको जो नीचे डोली से कूदा तो वह मिट्टी पर बन गए, और जो संघर्ष के निशान थे, मार्क्स थे, तो हाथों के नाखूनों में, और साथ में जो भी जीवन है बचने का प्रयास करता है, तो जीवन ने क्या किया, उसको भी लड़के को भी खरोंच आई। उसने रिप्लाई जरूर दिया कि मैं तो झरबेरिया के बेर खाने गया तो उससे मेरे खरोंच आ गई। दूसरा उसने कहा कि मेरे जो जूते हैं तो कहाँ कहाँ बचेगा, तो ये मैं तो जूते अभी नए लाया हूं। तो बोले नए लाए हो तो चलो ठीक है, तो जूतों के निशान आ गए, नाखूनों के निशान आ गए। फिर पोस्टमार्टम हुआ लड़की का, तो लड़की प्रेग्नेंट थी, और आगे एविडेंस लिए गए, तो उसमें ये था कि साहब लंच में ये रोज जाया करता, जब फैक्ट्री की छुट्टी होती थी 1 घंटे की, तो 1 घंटे ये रोज गायब रहता था, 1 से 1.5 घंटे में आता था। तो ये सब चीज है, तो इसमें कौन सी चीज, सेक्शन 7 में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब आ गए। दूसरी कॉज, उसकी मृत्यु किससे हुई, गला दबाने से, कारण जैसे पॉइजन है, पॉइजन कौन से सेक्शन में रेलेवेंट हो जाता है, सेक्शन 7 में रेलेवेंट है भाई, किसी को पॉइजन दिया, पॉइजन से ही मृत्यु। तो हेतु बोलते हैं कॉज को, कारण को, और अवसर, अवसर का मतलब ही यह है, अकेजन या अवसर, कि वो लड़की अकेली थी, रात में सुनसान जगह होकर कोई जा रहा है, तो वो लिखते हैं सुनसान रास्ते में, वहां कोई घर नहीं था, और मौका पाकर, तो जो मौका पाकर जो शब्द लिखा गया उसका मतलब ही यह है कि सेक्शन 7 में रेलेवेंट है वो बात, तो वहां कोई नहीं था। या जैसे एक जैसे दिल्ली रेप कांड का मामला आया था, तो उसमें यह फैक्ट भी था कि वो लड़की और लड़का एक दूसरे को बस में बैठकर किस कर रहे थे, और वो जो शराबी जो लोग थे, जो नोटरियस लोग थे, वो उसे देख रहे थे, उस रूप में वो भी उत्तेजित हुए। तो एक तरह का अकेला होना अवसर देना, उनके द्वारा एक्टिविटीज अवसर देना, ये सब चीजें उसके साथ शामिल हैं जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई। तो ये सब सेक्शन 7 में रेलेवेंट हो गए। तो 3 शब्द हैं, प्रसंग, हेतु और परिणाम। ठीक है ना। फिर सेक्शन 8 में चले जाते हैं,
तो सेक्शन 8 में रिचर्डसन एक शब्द मोटिव, मोटिव का मतलब क्या होता है कि जो पीछे छुपी हुई चीज है, सामने नहीं दिख रही है, पीछे छुपी हुई है। मोटिव अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है बल्कि साबित करने का आवश्यक तत्व है। हर इंसान के पीछे एक मोटिव होता है। मोटिव है क्या चीज? मोटिव है कुछ छुपी हुई चीज। जैसे उस लड़के ने, रिचर्डसन ने उस लड़की को क्यों मारा, क्या मोटिव था उसका? उसको लग रहा था कि लड़की के गर्भवती होने के बहुत जल्दी ही पता लग जाएगा, कहीं मैं फंस न जाऊं, तो ये उसका मोटिव था। जैसे एक इलस्ट्रेशन दे रखा है इसी एविडेंस एक्ट में कि एक आदमी दूसरे को मारता है और उसको कोई तीसरा देख लेता है तो हर बार वो कहता है, देख मैं बता दूंगा तेने मारा था उसको। अब एक दिन फिर उसी को मार देता है जो बार बार उससे पैसे मांगता है, बोले तू मेरे को बार बार पैसे दे। एक दिन उसी को मार देता है। क्यों मार देता है? वो परेशान हो गया उससे कि हर बार पैसे मांगता है। तो मोटिव, तो चीजों के प्रति मोटिव, तो मोटिव भी एविडेंस को साबित करने के लिए काम आता है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 8 में रेलेवेंट हो जाता है। ऐसे ही मोटिव के अलावा और क्या चीज है उसमें? सेक्शन 8 में ही कुछ और चीजें भी हैं रेलेवेंट है? अब जैसे कंडक्ट है, कंडक्ट का मतलब क्या समझते हो? चरित्र है? कंडक्ट और करैक्टर एक ही चीज है कि अलग अलग है? कैसे? करैक्टर का मतलब होता है स्वभाव और ख्याति। करैक्टर का मतलब क्या होता है? स्वभाव और ख्याति। कंडक्ट का मतलब होता है कि व्हाट एक्ट हैज बीन डन आफ्टर द अकरेंस ऑफ एन इवेंट, घटनाक्रम के बाद क्या एक्शन लिया। जैसे आपने देखा ना, एक कोई आदमी दूसरे को मारता है तो जिन जिन के ऊपर आरोप होता है वो छुप जाते हैं। एक आदमी ऐसा होता है, जैसे एक बार हुआ ऐसा, एक लड़की थी वकालत करती थी जयपुर में, तो उसने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर, एक दो हाई कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट जज, एक CJM, एक दो वकील, इनके खिलाफ सूचना दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया इसकी जांच होनी चाहिए। अब क्या है कि जो कुछ इन्वॉल्व थे उनमें वो तो अंडरग्राउंड हो गए। एक थे, उनका भी नाम था, मैंने कहा आपका नाम भी है, बोले सर मेरा कोई लिंक ही नहीं, मैं जानता तक नहीं और मैं छुपने वाला नहीं, मैं तो रोज यहीं बैठूंगा अपनी ही सीट पर क्योंकि मैं जानता ही तक नहीं उसको, ठीक है एक्सेट्रा ऐसे नाम लिखते चले गए, मैं तो डरने वाला हूं। नाउ ही इज जस्ट और लिख दी और नाम। बाद में उन सबको उस कमेटी ने गलत माना, उसे पूछा कि कब की बात है, कि ये 10 साल पहले की बात है।
कि यू आर एन एडवोकेट, 10 साल 15 साल पहले पुरानी बात बताई, 10 साल पहली बात है, 10 साल बाद तुम्हें याद आई कि ये काम, ये ऐसी एप्लीकेशन लगानी चाहिए, ऐसे एफआईआर करनी चाहिए, तो खैर वो कैंसिल कर दिया। लेकिन जिनका थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट था उन्होंने क्या किया, भाग गए। तो कंडक्ट का मतलब है कि वो घटनाक्रम के बाद जो एक्शन, तो इसमें दो एक्शन दे रखे हैं, एक सब्सिक्वेंट कंडक्ट है ना, तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट है मतलब उसके पश्चातवर्ती, और एक है कंडक्ट प्रिसिडेंट, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती। जैसे पूर्ववर्ती में एक महिला अपने हस्बैंड से कहती रहती है, रोज रोज पी पी के आ जाता है, शराब पी के आता है, तू तो मर जाए तो ही ठीक, और वो आत्महत्या कर लेता है। तो कंडक्ट प्रेसिडेंट, उसकी पत्नी का जो कंडक्ट था वो रेलेवेंट है, उसको एविडेंस में यूज किया जा सकता है। ऐसे ही जैसे एक लड़की थी, अपनी बहन को, अपनी बहन को चिट्ठियां लिखती थी कि मेरे ससुराल वाले ऐसे परेशान करते हैं, ऐसे परेशान करते हैं, और एक दिन आत्महत्या कर ली। उन लेटर्स को डैन डिक्लेरेशन माना गया, अर्थात वो कंडक्ट प्रेसिडेंट था। कैसा था? कंडक्ट प्रेसिडेंट। अब देखो इसमें दोनों के कंडक्ट दे रखे हैं, एक पीड़ित का भी कंडक्ट हो सकता है, कंडक्ट किसका हो सकता है, पीड़ित का भी हो सकता है, और पीड़ित का भी हो सकता है, अभियुक्त का भी हो सकता है। अब पीड़ित का कंडक्ट, एक केस है आपको ध्यान आ रहा होगा, भगत फकीरा वाला केस, देखो देखो भगत फकीरा मुझे मारे डाल रहा है, ये बात कोई दूसरा आदमी सुन रहा है दूर, उन्होंने कहा ये बात मैंने सुनी, 16 साल की लड़की से रेप करके ईख के खेत में उसे मार देता है। तो जो अपराध हो रहा था उसके बाद जो आवाज आई कि देखो देखो भरत फकीरा मुझे मारे डाल रहा है, ये क्या है? ये पीड़ित का आचरण है। किसका आचरण है? पीड़ित का आचरण। तो दोनों प्रकार के, तो कौन कौन के आचरण दे रखे हैं? एक तो पीड़ित का आचरण हो सकता है, एक अभियुक्त का आचरण, जो मैंने अभी आप बताया अभियुक्त भाग भूल जाते हैं, एजेंट का भी हो सकता है, सिविल केसेस में एजेंट का आचरण भी हो सकता है। तो सेक्शन 8 में एक तो मोटिव आ गया, दूसरा कंडक्ट आ गया, और तीसरा, तीन है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन क्या है? देखो प्रिपरेशन भी, प्रिपरेशन भी रेलेवेंट है। प्रिपरेशन रेलेवेंट कैसे है? प्रिपरेशन रेलेवेंट कैसे है? कोई एग्जांपल जो आप बताना चाहें बताओ, थोड़ा सा आप भी। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। प्रिपरेशन, एक आदमी दूसरे की हत्या करने के लिए सल्फोस की गोली ले आया, उसके घर में रखी है, खरीदा गया, घर में रखा गया, और जो मरा उसके दूध में वही गोली है जो तुम्हारे घर पर मिली, और उससे इतने दिन पहले आपने खरीदी, ये पूरी चेन जुड़ गई, तो सेक्शन 8 में रेलेवेंट है। अब सेक्शन 8 पर कैसे क्वेश्चन आया देखना, क्या क्वेश्चन पूछा? देखो ये प्रश्न पूछा है कि मोटिव, हेतु, तैयारी, प्रिपरेशन और आचरण कब सुसंगत होते हैं, ये पूछा है ना?
मैन रेलेवेंट। अब इसमें क्या बताओगे, या तो ऐसे लिखना लास्ट में लिख देना, या सीधे भी लिख सकते हो अंतर्गत धारा 8 भारतीय साक्षर अधिनियम अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, शॉर्ट में लिखना है इसको, के अंतर्गत हेतु हेतु अर्थात मोटिव को सुसंगत बनाया गया है। मोटिव से आशय है ऐसा कार्य जिसके कारण अपराधी अपराध करने के लिए मजबूर हो जाए। मोटिव का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई कार्य जिसके कारण अपराधी अपराध करने के लिए मजबूर हो जाए, उसे मोटिव बोलते हैं। क्यों मजबूर हो गया, क्या ऐसा था, तो मोटिव धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत है। बड़ा क्वेश्चन आए तो इलस्ट्रेशन दे देना, इलस्ट्रेशन अपना भी बना सकते हो, इलस्ट्रेशन खुद का भी बना सकते हो, खुद का बनाया हुआ इलस्ट्रेशन, खुद का बनाया इलस्ट्रेशन कैसे बनाओगे, जैसे मोटिव में तो दिया हुआ है, इसका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि एक आदमी किसी को हत्या करते हुए देखता है, देखने वाला उसको ब्लैकमेल करता, पैसों के लिए बार बार ब्लैकमेल करता है, क्योंकि उसके ब्लैकमेलिंग से वो तंग आ गया था, धारा 8 में अपराध करने या किसी भी कार्य को करने या न करने के लिए की गई प्रिपरेशन या तैयारी भी रेलेवेंट होती है। अब डिपेंड करता है कितना कैसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, एक चीज ये और रह गई थी, ये सेक्शन 9 में है, सेक्शन 9 इंट्रोडक्टरी फैक्ट, ऐसे तथ्य जो परिचय कराते हैं, ऐसे तथ्य जो परिचय कराते हैं, परिचय कराने वाले, इंट्रोड्यूस कराने वाले तथ्य, जैसे जैसे एक एक आदमी के घर में डाका पड़ा, उसके यहां से सामान ले गए, तो महिला कहती है डाकुओं को मैं पहचान तो लूंगी और मेरा हार भी मैं पहचान लूंगी, कहीं मुझे दिखाई देता है तो उनकी पहचान परेड कराएगी सबकी। महिला जैसे 8-9 लोग इकट्ठा कर लिए, बताओ कौन है, एक जैसी शक्ल बना दी, लेकिन ये आपके दिमाग ने उसका फोटो खींच लिया है तो संभव है कि यार वो ऐसा था, तो खट से उसका अब वही है, यदि वो व्यक्ति वही है तो एक एविडेंस आपको मिल जाता है भाई, कोई केस तो बहुत सारे एविडेंस पर डिपेंड करता है ना, एक एविडेंस आपको, क्योंकि एक्यूज्ड इज इंट्रोड्यूसिंग यू फ्रॉम एन इवेंट विच अकर, जो घटनाक्रम घटित हुआ, जो डकैती हुई, उसमें उस घटनाक्रम से उसका जो चेहरा आपने पहचाना, इंट्रोड्यूस हुआ, उसको अवगत करा रहा है। दूसरी है ऐसे और किस चीज से इंट्रोड्यूस कराए, वो कहती है मैं अपना हार पकड़ पहचान लूंगी, उन्हीं लोगों से बरामद करके हार, तो हार में 1, 2, 3, 4 हार वैसे ही लगा दिए, कुछ नकली भी रख दिए, तो वो कहता है कि ये वाला है मेरा, और पता लगा वो असली था और वही उसी का था। तो किसी व्यक्ति की पहचान बताने वाला, किसी चीज की पहचान बताने वाला एविडेंस सेक्शन 9 में रेलेवेंट है। क्या क्वेश्चन क्या है, दोबारा पढ़ना क्वेश्चन। अच्छा,
इंट्रोडक्टरी एंड एक्सप्लेनेटरी, पहचान बनाने वाले और प्रस्थापक। प्रस्थापक बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेनेटरी कौन से हो सकते हैं? वही आदमी, उनने कहा जब भागा था ना तो ये यहां से नीचे गिरा था, तो इसकी चीख भी निकल गई थी, इसके पैर में भी लग गई थी, पता लगा उसी के पैर में लग रही है। तो ये क्या है? एक्सप्लेनेटरी। क्या है ये? देखो दो शब्द प्रयोग किए, इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन, पहचान और प्रस्थापन, हिंदी में प्रस्थापन। इसमें इसका क्वेश्चन जैसे ये आया है, ये भी आ सकता है, दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, अकेले एविडेंस में नहीं जोड़ के सीआरपीसी को जोड़ देगा। जैसे पूछा, सीधे सीधे पूछ लिया पहचान परेड क्या होती है, तब आपको ये लिखना है जैसे पूछ ले पहचान परेड क्या होती है तब आपको ये लिखना है कि जब जब कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अब कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहां से आ गया, ये 291A, 291A सीआरपीसी। जब कोई कार्यपालक जैसे लिखना है, जब किसी निर्देशित कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपराधियों की पहचान के लिए नियुक्त किया जाता है तो पीड़िता द्वारा या पीड़ित द्वारा अपराधियों में से सही अपराधी की पहचान कराना या वस्तुओं में से सही वस्तु की पहचान करना पहचान परेड कहलाती है, जो धारा 9 एविडेंस एक्ट के अंतर्गत सुसंगत है। जिस कार्यवाही की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 291A में दे रखी है, ठीक है ना, इस तरह बनावा। और क्या क्वेश्चन आया इसी पे आया क्या, और आया क्या? हाँ देखो, ये मैंने नोट्स पे बहुत अच्छे से लिख रखा, विद केस लॉ दे रखा है, एविडेंसी वैल्यू इज नॉट गिवन इन दिस एक्ट। ये तो आपको केस लॉ से ही तय करनी पड़ेगी एविडेंसी वैल्यू। हाँ, ऐसा नहीं है कि सबकी नहीं दे रखी है, कुछ की तो दे ही रखी है, जहां जहां कह दिया कंक्लूसिव प्रूफ है दिस इज द एविडेंसी वैल्यू, यहां कह दिया प्रिजम्पशन है एविडेंसरी वैल्यू, तो ये एविडेंसरी वैल्यू बताते हैं। यहां जैसे ये पहचान परेड की एविडेंसरी वैल्यू पूछ ली कि क्या है, देखो पहचान परेड का साक्षिक मूल्य, पहचान परेड का साक्षिक मूल्य अच्छा है यदि अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पश्चात बाप पर्दा रखा गया हो और पहचान करने वाले के द्वारा उसे किसी भी प्रकार से ना तो दिखाया गया हो या वस्तु को ना दिखाया गया हो तो, लेकिन यदि पहचान से पूर्व उसकी पहचान को स्पष्ट कर दी, पहचान करने वाले को स्पष्ट कर दिया है तो यह है साक्ष्य, यह कोई साक्षिक मूल्य या साक्षिक एविडेंसी वैल्यू नहीं रखता है। क्यों? जैसे एक रेप पीड़िता थी, उसके साथ रेप किया, लेकिन रेपिस्ट का फोटो दूसरे दिन अखबार में छप गया और बाद में पहचान परेड कराई, क्या मतलब है? खत्म। एक बच्चा था,
और बच्चे को पहले ही फोटो दिखा दिया, बेटा यही था ना बदमाश, फिर बच्चे को पहचान परेड में ले जा रहे हैं, क्या मतलब? तो ये डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, What cases it is necessary to hold? Discuss the precautions to be taken, procedure to be adopted, and the review of test identification. अब देखो कई क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए उन्होंने। प्रोसीजर तो मैंने अभी डिस्कस किया, सीआरपीसी में दे रखा है। पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट जाते थे, अब न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं जाते, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। एविडेंसरी वैल्यू में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को ही सही मान लेंगे, उसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे जो फॉरेंसिक लैब वाले लोगों को, एक्सपर्ट्स को बुलाने की जरूरत नहीं है, औरों को इस तरह बुलाने की जरूरत नहीं, वो ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट बना के दे दी। हाँ, ये भी नहीं है कि उन्हें बुलाया ही नहीं जा सकता कोर्ट में, बुलाया भी जा सकता है लेकिन उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, उनकी रिपोर्ट को ये मानेंगे सही है। क्या क्वेश्चन था, दोबारा पढ़ना इसको। हाँ, नेसेसरी टू होल्ड मतलब कौन से मामले जिनमें यह करना जरूरी है, कौन से मामले हैं जिनमें करना जरूरी है। देखो, ये बात उन्हीं मामलों में करना जरूरी है जहां अपराधी अपराधी अपराध करके तत्काल छुप गया है, जिसके संबंध में पीड़ित या कोई व्यक्ति ही जानता है, जैसे रेप के केस में उस महिला ने कहा कुछ अंधेरा था लेकिन मैं करीब करीब पहचान लूंगी उसको, तो वहां पहचान परेड कराएगी, ठीक है ना? दूसरे एविडेंस अवेलेबल नहीं है, वहां पहचान परेड कराना जरूरी है। और डिस्कस द प्रिकॉशन, जैसे बापरदा करना जरूरी है, मतलब उसकी फोटो नहीं छपनी चाहिए अखबार में, कोई वस्तु है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन दोनों का हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, व्यक्ति का भी हो, दोनों को ही क्या नहीं करना चाहिए, दिखाया नहीं जाना चाहिए, ये दिखा दिया गया तो कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, यही है, व्हेन फैक्ट्स आर नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट। सेक्शन 11 में चले गए, तो उससे पहले सेक्शन 10 है, कॉन्स्पिरेसी कैसे साबित करेंगे, क्या है? देखो, जो कॉन्स्पिरेसी है ना, कॉन्स्पिरेसी शब्द का मतलब क्या है, 20A में, 120A में आपने पढ़ा कि दो व्यक्ति अपराध करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं या अवैध कार्य को करने या करवाने में सहमत होते हैं, या वैध कार्य अवैध साधनों से करने या करवाने में सहमत होते हैं, तो ये कॉन्स्पिरेसी है। अब बात आती है कि ये साबित कैसे हो, कॉन्स्पिरेटर तो चुपचाप करते हैं सब कुछ, तो लिखने वाले बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा जो परिकल्पना, मतलब जब सहमति बनी उसके पश्चात कॉन्स्पिरेटर्स द्वारा
कही गई की गई लिखी हुई बातें रेलेवेंट होती हैं, कही की और लिखी, मतलब सेड डन और रिटर्न। और इसको ये कहा जैसे पार्टनरशिप है ना, एक पार्टनर दूसरे के कार्यों के लिए लायबल होता है, ऐसे ही कॉन्स्पिरेटर, एक कॉन्स्पिरेटर दूसरे की कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल होता है। जैसे मान लो मैंने और आपने मिलकर यह तय किया कि फलां आदमी को हम मारेंगे, और मैंने अपने डायरी में लिख लिया फलां आदमी को मारने में मेरे साथ अशोक मले चिराग है ना की सहमति बन गई है, और मुझे जल्दी ही इसके लिए पैसे की व्यवस्था करनी है। अब आपको तो ये पता भी नहीं है कि मैंने अपनी डायरी में लिख रखा है, लेकिन सेक्शन 10 कहता है कि इट इज एविडेंस अगेंस्ट यू। जैसे लाल कृष्ण अडवाणी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, सिर्फ इसीलिए नहीं बन पाए कि उस समय हवाला कांड हुआ था, और हवाला कांड में ये लिखा हुआ था अडवाणी को इतने रुपया दिए। अब जैसे वो हवाला डायरी आई तो उन्होंने कहा कि अडवाणी जी का, उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो जनता में ये जाएगा कि शायद ये अडवाणी मैं ही हूँ, जबकि मैं नहीं हूँ। बाद में आया अभी वो सुप्रीम कोर्ट ने वो रद्द कर दिया, बोले इस केवल अडवाणी से साबित नहीं होता कि ये लाल कृष्ण अडवाणी है। तो वो जो कॉन्स्पिरेसी थी, वो जो अपराध हुआ था, उसके द्वारा कॉन्स्पिरेटर का द्वारा जब उनकी जो कॉमन परिकल्पना थी आई, उसके बाद इसमें एक बहुत बढ़िया केस दे रखा है। एक महिला होती है मिर्जा अकबर वाला, तो वो मिर्जा अकबर को चाहती है, उसके साथ शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी शादी किसी दूसरे में हो जाती है, लेकिन उनका कांटेक्ट बना हुआ रहता है, वो एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते रहते हैं, और वो कहती है कि कब मुझे इससे रिलीज कराओगे। तो एक दिन किसी को कहता है, वो जाके गोली मार देता है सुबह सुबह उसके हस्बैंड में। जब हस्बैंड में गोली मार देता है तो जिस समय गोली मारी गई और तब वो भाग रहा था खेतों में, पानी लगा रहा था उसका हस्बैंड, तब भाग रहा था, घायल करके भाग रहा था, तो उसे पकड़ लिया गोली मारने वाले। तभी जो मेन अभियुक्त वहां आ गया, अरे यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये कोई ऐसा कर सकता है? तो जो बातें वो कह रहा था अच्छा बता रहा था, जबकि कुछ लोगों को पता था कि अभी ऐसा हुआ है। तो कही गई की गई लिखी गई बातें रेलेवेंट होती, जो कुछ वो कह रहा था रेलेवेंट थी। तो कॉन्स्पिरेसी को साबित करने के लिए देखो एक चीज और भी है, उल्टा सीधा जैसा क्वेश्चन बनाओ और फिर उसका उत्तर आप अपने मन में थॉट करो। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, कॉन्स्पिरेसी को साबित करने के लिए एविडेंस एक्ट में क्या व्यवस्था है, तो आपके मन में थॉट आना चाहिए कि भारतीय साक्षरता नियम की धारा 10 में एविडेंस, धारा 10 में किसी कॉन्स्पिरेसी को साबित करने के लिए जब कॉन्स्पिरेटर्स के मन में कॉन्स्पिरेसी की धारणा आई, उसके पश्चात उनके द्वारा कही गई लिखी हुई की गई बातें
संगत होती है। नेक्स्ट, बहुत तेजी से समय भागता है। नेक्स्ट, अब जैसे 11 में एलईबी है, छोड़ सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। 12 में छोड़ सकते हो, 12, 13, 14 पढ़ना चाहिए। अब जैसे मन की, शरीर की, शारीरिक संवेदना, तो मन क्या है? एक आदमी बड़ा खुश लग रहा है तो जो उसकी मन की दशा है, कहते हैं ना, अरे यार आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, तो अंदर अंदर कुछ हो जाता है, क्या अच्छा फील होता है, तो मन की दशा हो गई। शरीर की दशा, एक आदमी, यार वो तो बहुत लंबा सा देख आदमी था, काला सा था, गोरा सा था, लंगड़ा था, तो इस शरीर की। अब जैसे शारीरिक संवेदनाएं, हंसना, गुस्सा होना, रोना, दुखी होना, वो ये क्या है? संवेदना है। कैसे संवेदना है? इसमें केस पूछा भी गया है आरजेएस में, कनौरी देवी का केस, कनौरी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। कनौरी देवी के हस्बैंड को, कनौरी देवी के दोस्त ने मार दिया और कनौरी देवी को 12 दिन तक आंसू नहीं आए। ये एक सामान्य संवेदना है, जब आपका कोई प्रियजन जाता है तो स्वाभाविक आंसू आ जाते हैं, आ जाते हैं ना, तो उसे आंसू ही नहीं आए। इसी के आधार पर जजमेंट हुआ, उसे पनिश किया गया। एक आदमी जो बिल्कुल मरा सा था और एक महिला बड़ी हष्टपुष्ट थी, महिला ने आरोप लगाया कि इसने मेरे साथ रेप किया, रेप का प्रयास किया। उसने कहा कि ये कौन है, आपका बेटा है? नहीं बेटा नहीं, यही है कल्प्रेट। उन्होंने कहा आपका शरीर और इसका शरीर तो मरा सा है, एक थप्पड़ मारू तो वैसे ही मर जाए, इसका मतलब थप्पड़ आपने यूज ही नहीं किया, इसका मतलब आपकी कंसेंट थी, किया भी था तो आपकी कंसेंट से किया। क्यों? क्योंकि उसके शरीर को देखकर। एक आदमी था लंगड़ा, हाथों से पंगू, और उसके ऊपर आरोप था कि इसने चौथी मंजिल पर जाकर आदमी की हत्या की, और नीचे से ऊपर तक कैसे गया, बोले पाइप के सहारे सहारे चढ़ गया होगा। उनने कहा ये बिल्कुल पंगू आदमी है। तो वो एविडेंस दिए जा सकते हैं, शरीर का भी एविडेंस दिया जा सकता है, मन का भी दिया जा सकता है, और संवेदनाओं का भी दिया जा सकता है। अब देखो, पहले पूछ रहा है कि स्टेट ऑफ माइंड कैसे रेलेवेंट है, तो स्टेट ऑफ माइंड सेक्शन 14 में रेलेवेंट है। तो माइंड की, माइंड क्या है? माइंड बेसिकली है क्या चीज? मन। क्या है मन? मन का मतलब है एक सॉफ्टवेयर। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया ना, अरे यार आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर है जो पूरे शरीर को, पूरे सिस्टम को चलाता है। एक शब्द प्रयोग किया, स्टेट ऑफ माइंड, मन की अवस्थाएं। क्या चीज? मन की अवस्थाएं। मन की अवस्थाओं को कैसे बताओगे? बताओ क्या होती है मन की अवस्थाएं? जैसे मन की अवस्थाएं क्या क्या है? अरे मन की अवस्थाएं सदिच्छा, इंटेंशन, इलविल, ये सब मन के ही तो स्थितियां हैं। ये क्या है? मन ही तो है। एक आदमी आपको बहुत पसंद आता है, देखते ही पसंद आता है, एक आदमी को लगता है आपको, अरे यार यहां से कब उठ के जाए, तो व्हाट इज दिस?
क्या है इसमें, है क्या चीज, ये मन है। क्या चीज है ये? मन। तो इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ माइंड। तो स्टेट ऑफ माइंड एक एक चीज नहीं है, कई चीजें हैं, पूरी लिस्ट है स्टेट ऑफ माइंड की, दे रखी है ना इसमें आपके एविडेंस है। मन की दशा, स्टेट ऑफ माइंड। जैसे एक आदमी है, किसी शाखा में या किसी में जाता है, उसको रोज पढ़ाया जा रहा है हिंदू हिंदू ऐसा हिंदू वैसा हिंदू ऐसा, तब तो ठीक है हिंदू की बात कर रहा है, इसका मतलब एक सॉफ्टवेयर और उसके डाला जा रहा है क्या, जो हिंदू नहीं है उसके प्रति इलविल हो गया वो, मतलब उसके प्रति उसका भाव कैसा आ गया, एंटी आ गया। तो उसके क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है ये, क्या है स्टेट ऑफ माइंड। आप देखो जैसे स्टेट ऑफ माइंड का ही वो था, ध्यान आ रहा है, एक बार 2 साल पहले 3 साल पहले एक नूपुर शर्मा एक एडवोकेट होती थी, बीजेपी में थी नूपुर शर्मा, टीवी पे बैठी और उसने कुछ ऐसी बातें कही जिसकी वजह से उदयपुर में घटना घटित हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम्हारी वजह से हुई है। क्यों? क्योंकि जैसे उसने बोला तो लोग भड़क गए, पता लगा एक आदमी की गर्दन दूसरे ने काट दी, उसके धर्म पर इस तरह की बातें हुई। तो ये शब्द कहां से आया, स्टेट ऑफ माइंड से। तो प्रश्न आता है कि स्टेट ऑफ माइंड कब रेलेवेंट है, तब रेलेवेंट है जब उसके आधार पर आशय दुराशय सदिच्छा बुरी इच्छा के संबंध में या इन शब्दों का उपयोग किया गया हो, क्योंकि ये समस्त शब्द मन की दिशा के ही अंग हैं। जैसे एक आदमी है, एक मुस्लिम को किसी ने मार डाला, मैं पड़ोस में खड़ा हो कह रहा है अरे ठीक रहा मर गया था, बहुत मुल्ला था। ये क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है। नेक्स्ट, तो बहुत जल्दी 12 बज गए। अब ये तो ये हो कि ऐसे बोलता रहूं शाम तक खत्म है ना, आप सुन सकते हो क्या ऐसे इतने देर तक शाम तक ऐसे बोलता है, मैं तो खैर बोल भी दूंगा, पढ़ना ही पड़ेगा। इससे तो सिर्फ ये है कि एक थोड़ी सी धूल हट जाएगी, इससे क्या होगा, बस आप थोड़ा तेजी से पढ़ सकोगे, बनाने तो पड़ेंगे। जैसे मैं आज बार बार लिखवा रहा था ना, वो लिखने भी पड़े। हाँ, रेलेवेंसी क्या है, टाइम लेती है कई बार, जैसे आपने कोई एविडेंस की किताब देखी हो तो 60-70% तो एविडेंस की किताब रेलेवेंसी पे लिखी हुई है और फिर 30% में सारा है,
तो रिलेवेंसी के टाइम लेती है। रेलेवेंसी में एज इट इज उतार के नहीं आना है। जो राजस्थली के नोट्स हैं वो बहुत बेहतरीन लिखे हुए हैं, मैंने खुद नहीं बनाए हैं, उनको जरूर पढ़िएगा। और बहुत ज्यादा केस वेस, जहां केस जरूरत है ना वहां केसेस को याद रखो, हर जगह केस 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 के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, अब आर्टिकल 21 तैयार कर रहे तो केस के बिना तो कैसे होगा तैयार, उसमें तो केस लॉज देने पड़े। 14 कर रहे हो तो केस के बिना नहीं होगा, 20 कर रहे हो तो केस के बिना नहीं होगा, 32 कर रहे हो तो केस के बिना नहीं होगा। तो ये रेलेवेंसी वाला तो देखो पूरा हुआ, रेलेवेंसी में तो और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आता है जो रेलेवेंट फैक्ट्स के लिए जो बात कही गई है, उनमें दो बात, एक एडमिशन और एक कन्फेशन भी है। एडमिशन और कन्फेशन, तो एडमिशन है क्या? एडमिशन तो एक प्रकार के स्टेटमेंट है, क्या है ये? और ऐसे स्टेटमेंट गिविंग इन्फ्रेंस, सजेस्टिंग कि अनुमान या सजेशन दे रहे हैं किसके बारे में, रेलेवेंट फैक्ट के और फैक्ट इन इश्यू के बारे में, रेलेवेंट फैक्ट के और फैक्ट इन इश्यू के बारे में। और वही क्या है, एडमिशन है। उसके संबंध में कहता है कि जो 18, 19, 20 वाले व्यक्ति करें और उस परिस्थिति में किए जाएं। 18, 19 और 20 में जो व्यक्ति दिए हुए हैं वो वाले तो व्यक्ति होने चाहिए और वही वाली परिस्थितियां भी होनी चाहिए। 18, 19, 20 के व्यक्ति और परिस्थितियों में किए गए हैं, उनको क्या माना है उन्होंने? अब इसमें डबल मेहनत करनी पड़ रही है। अभी जो नए एक्ट आ गए ना, ये सब नंबर चेंज कर दिए। ये नंबर तो ऐसे फिक्स हो गए हैं कि बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, सब फिक्स थे दिमाग। अब मैं पढ़ा रहा हूँ शाम को BNS, कुछ भी चेंज नहीं है, नंबरिंग सब उठपटांग कर। और जिसका कोई यूटिलिटी नहीं है कि भाई नंबर आपने चेंज करने से क्या फायदा क्या मिला, कुछ नहीं फायदा मिला। बेवकूफ है, उसमें लिख देते मोदी संहिता, अमित शाह संहिता, नाम ही बना देते। जो कौन पूछ रहा है बाद में 10-20 साल बाद, जब हटते नहीं हटते तो चलता तो रहता है, मोदी संहिता चल रही है। नहीं, क्रिटिसाइज नहीं, आप रीजनेबल क्रिटिसिज्म कर सकते हो, क्या दिक्कत है? रीजनेबल क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि रीजनेबल क्रिटिसिज्म पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन रीजनेबल क्रिटिसिज्म, जुडिशियस क्रिटिसिज्म, इन शब्दों का ध्यान रख के कर सकते हो। अब जैसे नए तीन कानूनों की व्यर्थ बखान करते जाओगे ना, तो एग्जामिनर चेक करने वाला जानता है कि व्यर्थ ये बताने की कोशिश कर रहा है भाई, ये जो परिवर्तन इन्होंने किए वो 1% से भी कम है। और वो परिवर्तन तो ऐसे परिवर्तन तो जाने कितने बार हो चुके, हर बार ही होते। कॉलोनियल माइंडसेट हटाना क्यों है? पृथ्वी पर ये पृथ्वी है, यहाँ के लोग, कहीं कहीं के लोग कैसे हटाओगे? ये बिजली किसने दी? अंग्रेजों ने दी है।
उन वहां के वैज्ञानिक थे, यहाँ के साधु संतों ने भी नहीं दिए। अब तर्क में बैठ जाओ उनके साथ में, वो कहेंगे नहीं नहीं हमारे साधु संत तो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, तो मोबाइल बनाया क्या उन्होंने, रेल बनाई, जहाज बनाए, कैमरा बनाया, बिजली बनाई, कुछ बनाया हो तो बताओ कि ये बना दिया था ऐसा भारत वालों ने। अरे तो वहां से जो चीज उन्होंने बनाई उनका हम यूज कर रहे हैं। और लो तो क्या है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, प्योर साइंस है ये। मैं तो खैर साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री पढ़ा है, आईआईटी दी हुई है, तो मैंने तो ये सब उस रूप में बिल्कुल वैज्ञानिक सब्जेक्ट है। कितने 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 सोच के जब एविडेंस पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, सोचते हैं यार क्या सोचा होने के ये, अरे कैसे हटेगा कॉलोनियल माइंड से। अरे भाई ठीक है, और अच्छा हम कैसे बुरा कहें उनको जिन्होंने कुछ चीज दी, लूट ले गए, उसकी बुराई भी करते हैं कि साहब हमारे यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, हमारे यहाँ की संपत्तियों को उन्होंने अपने देश में लेके गए। लेकिन एक सिविल सर्विसेज में केस आता था, कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, अंग्रेजों को भारत की देन, ये कानून उन्हीं की देन है। ऊपर नीचे कर देने से तो उनका जो कंटेंट है कैसे बदलोगे, बदल नहीं सकते, उसका कोई ऑप्शन नहीं दूसरा। बिल्कुल सही है कि 1930 सारा ही कॉन्स्टिट्यूशन 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही बेस्ड है। 85% 15% ही तुमने ऊपर नीचे कर रखी है तुम। अच्छा ये तो एक सामाजिक विकास है, धीमे 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 हो रहा है और होता ही रहेगा। इसे करने कोई ये कह के नहीं नहीं तुमने पुराना क्यों किया, अरे भाई ये तो डेवलपमेंट है, विश्व का डेवलपमेंट, पृथ्वी पे मानव जीवन का डेवलपमेंट। अब जैसे ये मधु है, ये सूट पहने बैठी है, ये तो अफगानिस्तान का है। अब हम कहेंगे ये तो क्यों पहने, हम तो साड़ी, अब साड़ी पहने थोड़ी आओगे। अब हम जो टी शर्ट पैंट शर्ट पहनने हैं ये किसकी है, हम धोती कुर्ता पहन के आए। बट ठीक है तुमने तो लपेट रखे हैं उल्टे सीधे जो भी, हर समय हम थोड़ी रह सकते उनमें। उनके अनुसार तो पैंट शर्ट नहीं पहने, और जब तुम विदेश जाते हो तुम भी पैंट शर्ट में जाके बात करते हो लोगों के साथ, सूट वूट पहन लेते हो। तो ये माइंड सेट है, ये यही तो मन है। मन एक ही चीज की तरफ हो जाए तो महा बेवकूफ मन भी है। जैसे सामान्य तौर पर हर आदमी एक बात कहता है, नहीं मैं ही सबसे अच्छा, बाकी तो बेकार है। जब दूसरों की बुराई कर रहा होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं अपनी बढ़ाई कर रहा है, कह नहीं रहा मेरी। जब दूसरों की ज्यादा बुराई कर रहा होता है तो वो अपनी बढ़ाई भी कर रहा है। तो ये स्थिति क्या है, ये माइंड सेट ही तो है। हाँ बैलेंस रहे, तो जो थोड़ा सा भी समझदार व्यक्ति है वो आज की तारीख में इनको आलोचना ही कर रहा है, और जिसकी समझ नहीं है वो तो जय श्री राम चिल्ला रहा है। और सामान्य से सामान्य आदमी अयोध्या में हरा दिया, उन्हें कहा लो चलो आज इतना ही।